हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम माता रानी के लिए ये लहंगा बनाने वाले हैं। मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सी लहंगा साड़ी माता रानी के लिए बनाई है। यहाँ पे मैंने 3 कलर के ऊन का यूज़ किया हुआ है। आप इसे एक कलर से भी बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया हुआ है। और ये मैंने अपनी 8 इंच की माता रानी के लिए बनाया है। इसे आप राधा रानी के लिए भी बना सकते हैं। ये हमारा लहंगा तैयार लगभग 6 इंच का होगा। मैंने वीडियो के एंड में आपको मेज़र करके भी दिखाया। आप वीडियो पूरी देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है माता रानी के लिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये 3 कलर में ऊन लिया है। व्हाइट कलर है, क्रीम कलर है और येलो कलर है। सबसे पहले हम व्हाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें किस तरह से बुनाई स्टार्ट करनी है। एकदम सिंपल और आसान तरीका आपको बताऊंगी। ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरह से एक लूप बनानी है। ये हमने बनाई। अब इसमें अपने हुक को फंसाएंगे और चेन बनाएंगे। एक, दो, कोई गिनती नहीं है, हम लंबी सी चेन बना लेते हैं। ये हम डोरी के लिए बना रहे हैं, इसी में हम अपना लहंगा बुनना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बुन लेती हूँ इसे लंबा, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे बुन दिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से एक चेन बना के उसे लंबा खींचेंगे और कट कर लेंगे। ये हमारी डोरी जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें, लंबी सी बुनी है मैंने, लगभग 12 इंच लंबाई है इसकी। हम इसे इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ से कहीं से भी आप सेंटर पकड़ें और सेंटर से 4-5 चेन इधर से स्टार्ट करेंगे। हमें इसमें टोटल 12 चेन में 24 बार डबल क्रोशिया बुननी है। तो देखें, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। किसी भी, कोई एकदम वो नहीं है कि एकदम सेंटर ही, थोड़ा बहुत इधर उधर आपका हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और दो, दो चेन बनाई, इसे भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानते हैं। हमें क्या करना है, सेम जगह डाल के एक बार डबल क्रोशिया बना देना है। तो ये हमारी दो डबल क्रोशिया हो जाएगी। ये देखें, हो गई। फिर हमने यहाँ पे अगली चेन में डाला और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लिया। सेम जगह डालेंगे, एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर अगली चेन में डालना है और डबल क्रोशिया दो बार बना लेना है। इस तरह से हमें यहाँ टोटल 12 चेन में टोटल 24 बार डबल क्रोशिया बनानी है। चलिए बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे 12 चेन में टोटल डबल क्रोशिया बना दी है 24 बार। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसे ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद देखिए, इस तरह से दो चेन बनाई। दो चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे, अब ये जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया की चेन है, इसमें नहीं डालना है, यहाँ डबल क्रोशिया में ही इस तरह से डालना है। डालने के बाद फंदे को निकाला, थोड़ा सा लंबा किया खींच के और इसे बुन दिया इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए, अगली जो चेन है, अब चेन में डालेंगे। चेन में डाल के इस तरह से बुन दिया और फिर यहाँ पे इसके बाद जो अब डबल क्रोशिया है, ये डबल क्रोशिया में डाल के बुनेंगे, चेन में नहीं डालना है। ये इस तरह से एक बार यहाँ पे मैंने देखिए चेन में डाल के बुनना है इस तरह से, और एक बार ये देखिए, ये है चेन, तो इसमें नहीं, यहाँ नीचे डबल क्रोशियो को ही उठा के और इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद हल्का सा खींच के लंबा करें और बुन दें इस तरह से। तो चलिए मैं यहाँ पे इसे बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे बुन दिया है। अब यहाँ पे हम अपना क्रीम कलर ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने लिया। यहाँ से फंदे को इस तरह से निकालेंगे और व्हाइट वाले को खींच लेंगे। अब इसे हम टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखें, इस तरह से एक, दो, दो चेन बनाई। दो चेन बनाने के बाद ये देखें, पहली चेन में एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, और जो तीसरी चेन है इसमें हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें, एक, और यहीं सेम चेन में एक और बार। इसी तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे, दो चेन में एक एक बार और तीसरी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए, हमने यहाँ पे बुन दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद फिर से वही चीज, देखें, दो चेन बनाई, इस तरह से किया। अब यहाँ चेन में नहीं डाल के इस तरह से ये डबल क्रोशिया में डाला, फंदे को निकाला, हल्का सा लंबा किया और बुन दिया। फिर देखें, अगली चेन में डाल के बुन देंगे और फिर इसके बाद जो है वो डबल क्रोशिया में डाल के बुनेंगे इस तरह से। ऐसे करके अपना ये वाला रो कंप्लीट करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम अपना येलो कलर लगा लेंगे। ये इस तरह से
येलो कलर हमने लगाया, इसे लाइट क्रीम कलर जो है हमारा उसे खींच के लंबा कर देंगे। अब हमें इसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद देखिए एक काम करना है आपको, यहाँ ये वाइट वाला जो है इसे आप यहाँ पे ऐसे पकड़ें, ये देखें इस तरह से पकड़ लें आप। और उसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए दो चेन हमने बनाई। दो चेन बनाने के बाद ये व्हाइट वाले को इस तरह से यहाँ पे फंसाते हुए फिर पहली चेन में डबल क्रोशिया बुनें, नहीं तो बहुत दूरी हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अब बस इसे यहीं पे छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बुनते जाना है। ये हमने छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में हमने एक बार, और जो तीसरी चेन है इसमें भी हम एक बार, इसके बाद जो चौथी चेन आएगी इसमें हम दो बार बुनेंगे डबल क्रोशिया। ये इस तरह से ये एक बार हो गया और यहीं पे ये दूसरा हो गया, बुन दिया। ऐसे करके अपना ये पूरा रो कंप्लीट करेंगे, तीन चेन में एक बार और चौथी चेन में दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए। और इस साइड तो आपको पता ही है कि ये डिज़ाइन कैसे बनाना है, एक चेन में हमें चेन में डाल के और एक डबल क्रोशिया में डाल के। तो चलिए मैं यहाँ पे दो रो बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये येलो कलर से भी बुन दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये देखें जब हमने यहाँ पे ये लाइट क्रीम वाला कलर लगाया था तो देखें यहाँ पे दो फंदे में एक एक बार और तीसरे फंदे में दो बार डबल क्रोशिया बनाए। फिर जब येलो कलर लगाया तो तीन फंदे में एक एक बार और चौथे फंदे में दो बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद जब मैं फिर व्हाइट कलर लगाऊंगी तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, चार फंदे में एक एक बार और पांचवें फंदे में दो बार डबल क्रोशिया बनानी होगी। इसी तरह से ये जैसे जैसे हमारा कलर बदलता जाएगा वैसे वैसे हमारा फंदा एक एक बढ़ता जाएगा। ऐसे करके हमें इसे अब लंबा करना है। चलिए अब मैं फिर से व्हाइट कलर लगा के दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ से हम लगाएंगे ये व्हाइट वाला कलर और क्रीम वाला जो है उसे यहाँ पे फंसा लेंगे, नहीं तो फिर बहुत लंबाई हो जाएगी। व्हाइट कलर हमने यहाँ पे निकाला, येलो वाले को इस तरह से खींचेंगे, ये देखें ये खींच लिया। और अब ये जो क्रीम वाला है हमारा इसे भी ऊपर करेंगे, ये इस तरह से यहाँ पे हम पकड़ेंगे। तो चलिए बुन के दिखाती हूँ। ये एक दो, दो चेन बनाई। दो चेन बनाने के बाद क्रीम कलर वाले को पकड़ते हुए फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बुन ली। इसे हम थोड़ा सा खींच के और साइड करेंगे। साइड करने के बाद देखिए दूसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, चौथी चेन में भी एक बार डबल क्रोशिया, और जो अब पांचवी आएगी इसमें हम दो बार बुन लेंगे। देखिए एक और दो। बस आपको उल्टी साइड ही चेंजेस करने हैं। यहाँ जब फ्रंट पे आप आएंगे तो डिज़ाइन तो हमारा सब में सेम तरीके से बनेगा। तो चलिए अब मैं इसे लंबा करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, टोटल नौ लाइन बनाई है। और ये देखिए यहाँ पे ये मोती भी लगाई हुई है। इसे मैं टर्न करके अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए दो चेन बनाने के बाद तीसरी चेन में मैंने दो बार डबल क्रोशिया बनाया था। फिर देखें यहाँ पे जब आएंगे थर्ड रो में तो तीन चेन में एक एक बार बनाने के बाद चौथी चेन में बना लिया है। फिर यहाँ पे चार चेन में एक एक बार बनाने के बाद पांचवी चेन में बना लिया। फिर पांच चेन में एक एक बार बनाने के बाद छठी चेन में दो बार बना लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे छः चेन में एक एक बार बनाने के बाद सातवीं चेन में दो बार बना लिया। फिर यहाँ पे हमने सात चेन में एक एक बार बनाने के बाद आठवीं चेन में दो बार बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने आठ चेन में एक एक बार बनाने के बाद नौवीं चेन में दो बार बना लिया है। और लास्ट में हमने नौ चेन में एक एक बार बनाने के बाद दसवीं चेन में दो बार बना लिया है। इस तरह से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं इधर, ये देखिए ये मोतियाँ मैंने यहाँ पे किस तरह से लगाई हैं मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो गैप दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इस तरह से ऐसे होल दिख रहा होगा, इसी में मैंने सभी मोतियों को सेट किया हुआ है। बट यहाँ नीचे है सबसे, तो नीचे देखिए ये लेस भी हमें अटैच करनी है, तो हम मोती के साथ साथ ये लेस भी यहाँ पे सिलते चलेंगे। तो चलिए ये लेस भी इस तरह से ऐसे मोड़ के और यहाँ पे पकड़ लेते हैं, तो ये मोती के साथ साथ हमारी लेस भी स्टिच हो जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से सबसे पहले टक करेंगे एक बार, उसके बाद अपनी मोती लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने दो नंबर में वाइट कलर की मोती ली हुई है, इस तरह से ये देखिए लगा लेना है। एकदम सिंपल है, ये जो हमारा गैप है डिज़ाइन का इसी के बीच में ये सेट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से यहाँ पे हमने लगाते चल चलना है, ये ऐसे करके। आप चाहें तो इससे बड़े साइज की भी मोती
यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ही लगाई है। ये यहाँ पे इस तरह से पीछे से आगे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये भी हमारा लग रहा है, और नीचे से लेस भी स्टिच हो रही है। इस तरह से हम यहाँ पूरे बॉर्डर पे नीचे की साइड इसे कर लेंगे, लगा लेंगे। चलिए लगा लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा लहंगा जो है वो कंप्लीट हो गया। ये मैंने यहाँ पे सिल दिया। देखिए यहाँ पे डबल सिलाई लगाती है, एक बार ऊपर से भी लगाती है इस पे और एक बार नीचे से लगाई ही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दुपट्टा बनाना है, इसी में हम अटैच बनाएंगे। देखिए इस तरह से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ये हम एक और ये दो दो चेन हमने बनाई। अब यहीं सेम जगह डाल के इस तरह से डबल क्रोशिया बुनेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में दो चेन बनाई उसे भी हम एक डबल क्रोशिया मानते हैं। तो इस तरह से हमारा दो डबल क्रोशिया हो गया, ये तीन हो गया, ये चार, और ये हमारा लास्ट पांच। हमें पांच डबल क्रोशिया ही बुननी है। मैं पतला सा ही दुपट्टा लेके जाऊंगी ऊपर। अब देखिए क्या करेंगे, एक दो दो चेन बनाई और इसी में हम इस तरह से बुन लेंगे डबल क्रोशिया। फर्स्ट चेन में हमने एक बार बुन दिया, ये पांच का पांच हमारा रिपीट होता चला जाएगा। ये देखें ये इस तरह से टोटल अभी तक चार हो गया है दो चेन को लेते हुए, और ये लास्ट पांच हो गया। इसी तरह हम अपनी इस पट्टी को लंबा करेंगे। तो चलिए मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना लंबा कर लिया, टोटल मैंने यहाँ पे इसे 30 रो बुन दिया है। लंबा चाहिए था क्योंकि ये पूरा साइड से जाके पीछे से फिर आगे आएगा। अब हमें देखिए किस तरह से बुनना है यहाँ पे। यहाँ पे अब हम फंदे को बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा करेंगे। देखिए इस तरह से दो चेन बनाई। अब ये हम फर्स्ट चेन में इस तरह से एक बार अभी तक डबल क्रोशिया बना रहे थे, बट इस बार हमें यही फर्स्ट चेन में ही एक बार और बना लेना है। देखिए दो बार हो गया, फिर इस तरह से नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर अगली चेन में एक बार, और लास्ट में जो चेन आएगी इसमें हम दो बार बनाएंगे, एक, और यही सेम चेन में एक और बार इस तरह से। फिर टर्न किया, देखें दो चेन बनाई। फर्स्ट चेन में तो हम बुनेंगे ही, देखें एक बार और ये दो बार। अब हम बीच में भी फंदे को बढ़ाएंगे। देखें यहाँ पे एक फंदे में एक बार, फिर अगले फंदे में दो बार, ये एक, और यहीं पे एक और, फिर नेक्स्ट फंदे में एक बार, और इसके बाद वाले में दो बार, एक, और ये एक और, फिर अगले वाले में एक बार। ये देखिए ये इस तरह से बढ़ गया है। और फिर हमें इसे यहाँ से टर्न कर लेना है, और यहाँ पे फिर से हम वही चीज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट वाले में एक बार, यहीं सेम जगह एक और बार। अब इस बार हम दो चैन का गैप देंगे, देखिए एक और दो, दो चेन में एक एक बार, और तीसरी जो चेन है इसमें हम दो बार बनाएंगे, एक और ये दो। इसी तरह से अपना ये रो कंप्लीट करेंगे, दो चेन में एक एक बार और तीसरी चेन में दो बार। और इसके बाद वाला रो में हम क्या करेंगे, तीन चेन में एक एक बार और चौथी चेन में दो बार बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने व्हाइट कलर से ये वाली रो आधी बताई थी, तो ये वाली पूरी कर दी और इसके बाद एक रो और बुन दी है। अब देखें ये देखिए यहाँ पे हमने अपना क्रीम कलर वाला ऊन लगा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दो दो चेन बनाई। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट चेन में तो हमें दो बार बुनना ही है, ये एक और ये दो। अब इसके बाद क्या करेंगे, चार चेन में एक एक बार और पांचवी चेन में हम दो बार बुनेंगे। नीचे वाली रो में हमने तीन चेन में एक एक बार और चौथी चेन में दो बार बुना था, तो अब हमें चार चेन में एक एक बार और पांचवी चेन में दो बार बुनना है। देखिए एक ये दो ये तीन और ये लास्ट चार। अब पांचवी जो चेन है इसमें हमें दो बार बुनना है, एक और ये दो। इस तरह से अपना ये रो कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद वाले रो में हम क्या करेंगे, पांच चेन में एक बार और छठी चेन में दो बार बुन लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे से बुन दिया। अब इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ से मोती वाली अपनी लेस लगा लेंगे एक बार, और इस पे भी थोड़ा सा मोती वगैरह लगा के इसे डेकोरेट कर लेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए चोली के लिए हमने यहाँ पे
35 चेन बनाई है और उसके अंदर 1 2 3 तीन रो डबल क्रोशिया बुंदी। एकदम सिंपल और आसान तरीका है, बहुत आसानी से आप इसे बना लेंगे। मैंने यहाँ पे सेम तरीके से 2 पट्टी तैयार की हुई है। हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में हम सिलेंगे। तो इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे थोड़ी दूर हम इसे सिल देंगे। चलिए वीडियो को फास्ट करती हूँ और जल्दी जल्दी से सिल देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। अब बस इसमें हम ये डोरी डाल देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल सी चेन बना के मैंने रखी हुई है, इसे हम यहाँ पे डोरी डाल देते हैं। देखिए बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से आप बना लेंगे। मैंने एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें और वीडियो के साथ साथ आप करें अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो तो। ये देखिए यहाँ से डोरी आ गई, अब इसे हम पहना लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको ड्रेस भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये लहंगे वाली साड़ी भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसमें मैंने ये मोती वगैरह चिपका दी थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मैं सिल नहीं पाती, बहुत छोटा छोटा अच्छा नहीं लगता। और यहाँ नीचे वाला तो सिल लिया है। तो ये हमारा लहंगा कंप्लीट हो गया, ये कुछ इस तरह से करके आएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको पहना के दिखा दिया है। और ये हो गई चोली। तो ये थी मेरी आज की वीडियो गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। और ये जो लहंगा है ये मैंने अपने 8 इंच की माता रानी के लिए बनाया हुआ है। और एक बार मैं आपको इसकी लंबाई भी बता दूँ, नहीं तो चीज़ें रह जाती हैं। ये देखें यहाँ से इसकी लंबाई जो है वो 6 इंच है और इधर से जो आप देख रहे हैं ये इसका घेर, ये है हमारा 11.5 इंच। तो चलें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पे माता रानी को लहंगा पहना लिया है। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ये मैंने अपनी 8 इंच की माता रानी के लिए बनाया हुआ है। आपने देखा इसे बनाना कितना ईजी था, एकदम सिंपल और आसान तरीका मैंने आपको बनाने का बताया हुआ है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।